दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडी वर्ल्ड में। आज हम लोग एक इंग्लिश का एक पार्ट कर रहे हैं जो कि इंग्लिश का पार्ट नहीं है, ये हम लोग के एक जनरल रूटीन का पार्ट है कि जब टाइम की बात आती है तो हम लोग हिंदी में कहते हैं 2:15 बज रहे हैं, 3:15 बज रहा है, 7:15 बज रहा है, 8:15 बज रहा है, 7:30 बज रहा है। यदि इसी को हम लोग को इंग्लिश में कहना हो तो इसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो यही है कि अंग्रेजी में या इंग्लिश में टाइम हम लोग कैसे लिखते हैं। ये बहुत कॉमन सी चीज है और आप में से बहुत लोग इसको जानते भी हैं, तो आइए एक बार फिर से रिवीजन ले लेते हैं। मैं सुधांशु मिश्रा आप लोगों के साथ हमारे YouTube चैनल एडी वर्ल्ड में आज करेंगे इंग्लिश में टाइम कैसे लिखते हैं। देखिए टाइम जो है अलग अलग तरह का होता है। यदि टाइम परफेक्ट है जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके 12, यानी अगर नेचुरल नंबर के या होल नंबर के केस में है, यानी इसमें कोई भी अलग से मिनट ऐड नहीं है, केवल घंटे की बात हो रही है, जैसे 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, 6 बज रहा हो, 7 बज रहा हो, 12 बज रहा हो, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे इट इज डैश ओ क्लॉक। यहां पर इस डॉट का मतलब है या ब्लैंक का मतलब है कि जितना भी बज रहा होगा जो समय होगा उस समय को इसमें पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल 1 बजा है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे इट इज 1 o'clock। 2 बजे हैं, इट इज 2 o'clock। 3 बजे हैं, इट इज 3 o'clock। तो बताइए यदि हमें लिखना हो 4 बजे हैं तो होगा इट इज 4 o'clock। 5 बजे हैं, इट इज 5 o'clock एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। वहीं पर दिक्कत यहां तो नहीं आती है, यहां आप लोग सब लोग कुछ ना कुछ लिख ही लेते हैं। दिक्कत आप लोगों के साथ तब आती है या लोगों के साथ तब आती है जब उसमें मिनट ऐड हो, जैसे 2:15 हो, 2:45 हो, 2:30 हो, या हिंदी में जैसे हम लोग कहते हैं 2:15 हैं, 2:45 यानी 2:45 है और 2:30 है। इस तरह के जब समय के टाइम के सिंबल्स नोटेशंस नोशंस आ जाते हैं तब दिक्कत होती है लोगों को। तो आइए इसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं किस तरह से लिखेंगे 2:15 को, 2:45 को, 2:30 को। तो हमको लिखना है पास्ट टू, लिखना है पास्ट टू और दोनों साइड ब्लैंक रहेगा जो बताएगा इसका मतलब होगा बजकर या गुजर गए। ये बजकर या गुजर गए के सेंस में आएगा और एक तरफ तो हम लोग रखेंगे मिनट को और दूसरी तरफ हम लोग रखेंगे आर को या घंटे को। एक तरफ मिनट को रखेंगे, दूसरी तरफ आर को, मिनट पास्ट टू आर। ये हमारा फ्रेम होगा, सेंटेंस का फ्रेमिंग होगा और इसी तरह से हम लोग इसी बेसिस पे सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। नहीं समझे, आइए समझते हैं। जैसे 2:15 यानी कि 2:15 हैं, 2:15 हैं, ये तो हम लोग हिंदी में कह के काम चला लेते हैं। अगर इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो देखिए पास्ट टू के पहले हमको लिखना है टाइम। टाइम कितना अधिक है, मिनट का 15, मिनट का 15 है, यहां पर तो 15 लिख देंगे। और यहां पर लिखना है हमको आर, आर हमारा कितना है 2, यहां लिखेंगे 2, तो ये हो जाएगा। इसके आगे लगाएंगे इट इज, तो इट इज 15 past 2, और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा 2:15 है। इतना आसान, सो सिंपल। तो अगर 3:15 है होगा तो इट इज 15 past 3, अगर 4:15 है इट इज 15 past 4, और इसी तरह से अगर 12:15 है इट इज 15 past 12। बहुत आसान है इसको समझना। एक चीज आप लोग जानते होंगे, ये सर्कल अगर आप मान लेते हैं तो हमारा क्लॉक जो होता है उसमें एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का बनता है जो उसके मिनट हैंड, सेकेंड हैंड या आर हैंड से बनाया जाता है। तो अगर हम लोग अरेंजमेंट देखें उसमें नंबर्स का प्लेसिंग, तो यहां अगर 12 है तो यहां पर 3 होता है, इसके सामने 6 होता है, इसके सामने 9 होता है। तो यदि 15 मिनट हो रहा है तो इसका मतलब है कि मिनट हैंड की जो सुई है वह 3 पर होगी, मिनट हैंड की सुई 3 पर होगी। तो 15 को अगर हम लोग डिवाइड करें पूरे सर्किल के लिए तो ये हो जाएगा 15/60, चूंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और इस 60 मिनट को जब ये तय कर लेगा तो यह सुई फिर 12 पर पहुंच जाएगा। तो टोटल 1/4 यानी 1/4 भाग 15 मिनट में होते हैं और 1/4 भाग को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्वार्टर। 1/4 भाग को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं
क्वार्टर, तो यहां पर हम लोग इस 15 में क्वार्टर शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, जब हमको कहना हो 2:15 बजे है तो या तो हम कह सकते हैं इट इज 2:15, या हम लोग कह सकते हैं इट इज 2:15। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं 15 मिनट जो है वह 1 घंटे का 1 क्वार्टर होता है, 1/4 होता है। उसी तरह से यदि हम लोग लिखना हो 3:15 बजे है तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज 3:15, या हम लोग लिख सकते हैं इट इज 3:15। 8:15 बजे है इट इज 8:15, या इट इज 8:15, दोनों लिखा जा सकता है। उसी तरह से 9:15 बजे है इट इज 9:15, या इट इज 9:15, यह भी आराम से लिखा जा सकता है। तो इस पर आप लोग जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसको बनाइए अभी के अभी, और आप लोग इससे बिल्कुल अभी समझ जाएंगे। आप लोग इसको वर्क में लाइए। और अब हम लोग इसके बाद चलते हैं, ये तो हम लोगों ने 15 मिनट वाला देख लिया केस, इसके बाद देखते हैं कि और अदर जो नोशंस आएंगे 2:45, 2:30, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहां पर मैंने दो स्ट्रक्चर लिखा है, एक तो पास्ट टू जिसके पहले मिनट लगा है उसके बाद हम लोग आर लिखेंगे, और दूसरा है लेफ्ट इन जिसके पहले मिनट है और उसके बाद में आर है। इन दोनों को हम लोग कंपेरिजन करके साथ में पढ़ते चलेंगे, ये वैसे अभी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से इसका रिवीजन भी ले लेंगे और उसके साथ मिक्स करके देख लेंगे कि किसका प्रयोग किसके साथ कब हो रहा है। तो हम लोग जैसे जानते हैं इसमें बजकर या जो टाइम गुजर चुका है उसके लिए पास्ट टू का प्रयोग करते हैं, जैसे 7:30 बज रहे हैं, अभी तो हम लोग परफेक्ट टाइमिंग देख लिए और 15 वाला टाइमिंग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं जैसे 7:30 बज रहे हैं, अगर ऐसा सेंटेंस है तो हम लोग उसमें लिखेंगे इट इज 7:30। देखिए पास्ट टू है, 30 क्या 7:30 मतलब 7:30, तो ये मिनट वाला जो समय है इसको पहले लिखेंगे और ये आर वाला समय जो है उसको बाद में लिखेंगे, तो इट इज 7:30। क्लियर है यहां पर? या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज 7:30। हाफ पास्ट अगर हम लोग यहां लिखेंगे तो यहां 2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप एक हाफ का इस्तेमाल क्यों किए, इसलिए क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 60 को अगर हाफ से डिवाइड कर दें तो वो 30 मिनट हो जाता है, तो 30 मिनट को हम लोग हाफ भी कह सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहां पर कहा इट इज 7:30। याद रखिएगा 2 का प्रयोग नहीं करना है। उसी तरह से यहां ये लेफ्ट इन तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब बजने में देरी है या समय होने में कुछ समय बाकी है, उस पर उस केस में हम लोग यहां लेफ्ट इन का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम कहें 7:30 बज रहे हैं तो हम लोग इसमें यह भी कह सकते हैं कि 8:30 बजने में 30 मिनट बाकी है, 7:30 बज रहे हैं कहें या 8:30 बजने में 30 मिनट बाकी है कहें, दोनों का मतलब सेम ही होगा। तो 8:30 बजने में 30 मिनट बाकी है को लिखेंगे इट इज 8:30। अब देखिए यहां पर भी हम लोग मिनट पहले लिख रहे हैं तो 30 मिनट बाकी है तो 30 पहले लिखेंगे, और घंटा कितने बजने में 8 बजने में, तो इसके आगे रहेगा इट और इज, तो इट इज 8:30। समझ गए, इट इज 8:30। बहुत ही आसान है, आप लोग बिल्कुल इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। रेगुलर हम लोग जनरल यूज में हमेशा बोलते हैं हिंदी को, उसको हम लोग को अगर इंग्लिश में बोलना हो तो बिल्कुल इस फॉर्मेट पर अगर हम लोग काम करें तो बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं, कुछ कठिन नहीं है। देखिए 8:15 बज रहे हैं, ये हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं 8:15 बज रहे हैं। 8:15 का मतलब क्या, 7:45, 7:45 बजकर 45 मिनट गुजर चुके हैं, यानी कि यही फॉर्मेट आ जाएगा पास्ट टू वाला, यहां लगाएंगे इट इज 7:45। अब इसी का दूसरा एस्पेक्ट समझिएगा, 7:45 हो रहे हैं को हम लोग कह सकते हैं 8:15 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो यदि 8:15 बजने में 15 मिनट बाकी है लिखा हो और इसको हम लोग तब बनाएंगे इस स्ट्रक्चर से लेफ्ट इन वाले से, मिनट पहले और आर बाद में, कितना देर बाकी है 15 मिनट, तो 15 मिनट यहां आ जाएगा और आर कितना 8, तो 8 यहां आ जाएगा, इट इज 15 लेफ्ट इन 8। अब हम लोग जान रहे हैं 15 को हम लोग क्वार्टर भी लिख सकते हैं, तो यह भी लिख सकते हैं इट इज 8:15 लेफ्ट इन 8। क्लियर है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल तुरंत लाइक बटन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इसके बाद देखिए 8:45 बज रहे हैं, अगर हमको यह लिखना हो 8:45 बज रहे हैं
तो कैसे लिखेंगे? देखिए, 8:45 का मतलब क्या हुआ, 8:45 का हो जाना 8:45 कहलाता है बोलचाल की भाषा में। अब 45 मिनट तो गुजर चुके हैं, 8:45 का मतलब हुआ कि 8 से 45 मिनट गुजर चुका है। फिर यही फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे, गुजर चुका हो समय उसके लिए या बचकर लिखा हो तो उस दोनों के लिए हम लोग पास्ट वाले फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां हम लाएंगे इट इज, कितना गुजर चुका है 45, तो 45 पास्ट टू कितने में 8, क्योंकि 8:45 हुए हैं जिसको कि हम लोग बोलचाल की भाषा में 8:45 कह रहे हैं। तो इस तरह से ये हो गया इट इज 45 पास्ट टू 8। अब समझिएगा, जब कह रहे हैं कि 8:45 बज रहे हैं, इसका मतलब है 8:45 हो रहा है, या अगर कहें हम लोग तो 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, यह भी तो कहा जा सकता है कि 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, यानी 8:45 बज रहे हैं। तो अगर इस सेंटेंस को बनाना हो तो हम लोग किस स्ट्रक्चर बनाएंगे, कितना मिनट बाकी है 15 मिनट, तो 15 मिनट लेफ्ट इन कितने में 9 बजने में, तो 9, तो 15 मिनट लेफ्ट इन 9, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इट इज 15 लेफ्ट इन 9, या फिर लिख सकते हैं इट इज 1/4 लेफ्ट इन 9। तो सब यहां तक समझने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी है। यदि कोई परेशानी है तो आप लोग और बैकवर्ड करके वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, ये कंसेप्ट हो गया। अब थोड़ा सा इसका रिवीजन एक छोटा सा कर लेते हैं। 8:30 बज रहे हैं अगर लिखना हो तो 8:30 बज रहे हैं कि मतलब क्या हुआ, 8:30 मिनट। अच्छा, बजकर वाला केस में हम लोग स्ट्रक्चर को अपनाएंगे पास्ट टू वाले को, तो ये हो जाएगा 30 पास्ट टू 8, और आगे क्या लगाएंगे इट इज, तो इट इज 30 पास्ट टू 8, या फिर हम लोग जानते हैं कि 30 जो होता है वह आधा होता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं इट इज 1:30 8। ध्यान रखेंगे टू का प्रयोग नहीं करेंगे जब हम लोग 1:30 लिखेंगे। तो लाइक वाइज जब लिखना हो 9:30 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, तो 9:30 का मतलब हो गया 9 और 30, तो 30 का टाइम पहले आएगा 30, और 9 से 30 मिनट गुजर चुका है, फॉर्मेट ये पकड़ेंगे पास्ट टू वाला इट इज 30 पास्ट टू 9। देखिए कितनी आसानी से समझ में आ रहा है। अब देखिए, अगर इसको 1/2 पास्ट में लिखना हो तो लिखेंगे इट इज 1/2 पास्ट 9। टू का प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखेंगे टू का प्रयोग तभी होगा जब हम लोग मिनट लिख रहे हैं, अगर हाफ लिख रहे हैं तो टू का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है? आइए ये सेंटेंस देखते हैं अब, जो कि अभी तक हम लोगों ने प्योर वाले सेंटेंस देखे, 7 बज रहा है, 7:30 बज चुके हैं, 7:45 बज चुके हैं, ये वाले। अब बीच वाले सेंटेंस कुछ देखते हैं, 7:35 हुए हैं, 7:35 हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब क्या है 7:35। देखिए इस तरह से अप्रोच लेके चलिएगा, आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं, ये लिखने के लिए अगर आप लोग जान जाएंगे तो बोलने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखिए 7:35 हुए हैं, 7:35, तो 7 से गुजर चुका है कितना 35 मिनट, तो 35, देखिए 35, और फॉर्मेट मेरा पास्ट टू वाला, पास्ट टू कितने से 7 से, तो 7, और इट इज को आगे लगा देंगे इट इज 35 पास्ट टू 7। देखिए कितना आसान है इंग्लिश बोलना, बिल्कुल। आइए 8:25 हुए हैं, मतलब क्या हुआ 8:25। अब देखिए ये 25 पहले लिखेंगे और 8 आएगा बाद में, 8 से 25 मिनट गुजर चुके हैं, फॉर्मेट यही आएगा हमारा, तो इसका फॉर्मेट हो जाएगा इट इज 25 पास्ट टू 8। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए 8:25 को हम लोग कह सकते हैं कि 9 बजने में 35 मिनट बाकी है, ये भी तो वही बात हो गई। अगर इसमें 8:25 से 9 बजाना हो, यानी 9 बजेगा तो कितना मिनट और चाहिए इसमें, 35 मिनट्स मोर इज रिक्वायर्ड, तो 35 मिनट बाकी है। तो ये अगर फॉर्मेट आ जाता है 8 बजने में 35 मिनट बाकी है, तो ये फॉर्मेट ये आ गया हमारा बाकी वाले का, या बजने में देरी है या बाकी है वाला फॉर्मेट आ जाएगा। इसका यूज करेंगे, मिनट पहले लिखेंगे कितना मिनट बाकी है, तो 35 मिनट लिखेंगे, 35 लेफ्ट इन कितने बजने में, 9 बजने में 9, और आगे लगाएंगे इट इज, हमारा सेंटेंस हो जाएगा इट इज 35 लेफ्ट इन 9। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों को मनोरंजक लगा होगा और पढ़ने में मजा आया होगा। आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर बैठे, कॉपी पेन लें और उसके साथ में नोट करते चले साथ साथ में, और अभी के अभी बहुत सारे सेंटेंस को बनाएं, अपने मन से उठा लें कोई भी टाइमिंग और उसको बनाएं तुरंत के तुरंत, देखिए आपको याद होगा। अभिभावकों से आग्रह है कि अपने बच्चों को बार बार इसको देखने के लिए वीडियोज को दें, और जितने भी वीडियोज चैनल पर अवेलेबल हो रहे हैं उनको कृपया कर बच्चों को दिखाएं,
ताकि इस लॉकडाउन पीरियड में जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो आपके बच्चों तक पहुंचे और अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। हम लोगों की यही आशा है कि अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल के साथ जुड़े और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। वो किसी स्कूल के हों उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लाभ अधिक से अधिक लोग ले सकें, ये हम लोगों का मोटिव है, ये हम लोगों का मोटो है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद फिर कुछ नया इंटरेस्टिंग लेकर के हम लोग आप लोगों से जल्द ही मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए।